याज्ञवल्क जी कर्मकांडी महापुरुष हैं, सभी सदग्रंथ उनके कंठ में विराजमान हैं। तो बोले भरद्वाज जी, आप संक्षेप में सुनना चाहेंगे कि विस्तार से सुनना चाहेंगे? भगवत चरित्र, भगवत कथा, भगवान की लीला, ये संक्षिप्त नहीं होती। बोले जैसे मिठे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ निस्तारी। जैसे मेरा विशाल भ्रम समाप्त हो, कथा विस्तार से सुनाई। अब नव दिन का अनुष्ठान रख लिया भरद्वाज जी महाराज ने। याज्ञवल्क बाबा परम प्रसन्न हुए, मंगलाचरण हुआ, पूजनोपरांत फिर कथा प्रारंभ हुई। परंतु स्मरण रखिए, पूछे राम जी के बारे में और याज्ञवल्क जी ने कथा सुनाई शिव और मां शिवा की। बोले ऋषिवर, जैसे आपने कथा पूछी वैसे ही एक बार भोलेनाथ सती अंबा को लेकर अगस्त महाराज के पावन आश्रम पधारे दक्षिण की तरफ। अगस्त महाराज ने विश्वनाथ बाबा का बहुत सम्मान किया, स्वागत किया, माँ भगवती का आदर किया, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ऐसी कारुणिक कृपा आपकी कभी भई नहीं, आपके आने का कारण क्या है? बाबा विश्वनाथ बोले, ऋषिवर हम आपसे प्रभु की कथा श्रवण करने आए, हमें आप राम जी की कथा सुनाइए। अब आप कहेंगे शिवजी कथा सुनने कैलाश से उधर क्यों जाएंगे? ये जो भगवान की कथा है ना, ये व्यसन है ना? सांझ को सुनाओ, आज सुबह सुनो। हाँ, हमारी आंख जब खुल जाती है रात को 4 बजे 3 बजे तो हम चुपचाप लगा के कथा सुनते रहते हैं। क्यों? जितना आप सुनेंगे उतना आपका कल्याण होगा सर। ये कथा कल्याण कर देती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। राम कथा बारंबार सुनिए, बारंबार आपका सर्वविधि कल्याण कर देगा। कुछ नया बनाना नहीं पड़ेगा। तो ऋषि जी शुरू हो गए। बाबा बोले ना, हम नीचे बैठते हैं, आप ऊंचासन पर विराजमान है, व्यास को थोड़ा ऊंचा बैठना चाहिए तो कथा समझ में आती है। खैर कथा प्रारंभ हुई। अब यहां पंक्ति कहती है, राम कथा मुनिवर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा वर जब खानी सुनी बाबा।
अगस्त्य महाराज ने भगवान की भक्ति पूछी, ऋषि पूछी, हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। दे दी राम भक्ति भेंट कर दिए, विदा हुई। भगवान शिव सती जी को संग लेके चले। मार्ग में दंडकारण्य पड़ा, गगनपथ से जा रहे थे बाबा। सती अम्बा और बाबा संग हैं। दंडकारण्य में भगवान मेरी माँ का अन्वेषण कर रहे हैं। प्रभु की यह अद्भुत लीला दर्शन करके शिव जी का हृदय गदगद हो गया। दूर से प्रणाम किए, कहि सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले। सती अम्बा ने देखा शिवजी राजपुत्र को प्रणाम करते हैं, ये कौन सी लीला है। अब दो लोग संग में हो तो पहला कुछ सोचे, दूसरा कुछ सोचे, तो उत्पात तो बढ़ता ही है। भोले बाबा ने मैया को समझाया, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। प्रणाम करिए। जबरन किसी से श्रद्धा नहीं बनवानी चाहिए। दो तीन काम ऐसे हैं कि बरियाई से नहीं करवाना चाहिए। आदमी खुदे करे लागत। जीवन में परिणाम हर कार्य का उपस्थित होता है। भगवान भोलेनाथ के समझाने पर भी माँ के समझ में नहीं आया तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तव किन जाय परीक्षा ले हो, अरे तब लग बैठ यहाँ बट छाई, जब लग तुम आई हो मोही। सती अम्बा गई भगवान की परीक्षा, कोई क्या करेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।